फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस चैनल नेम इज़ सॉल्यूशन सोशल मीडिया। दोस्तों, आपके लिए एक ऐसी वेबसाइट लेके आए हूँ। बहुत से भाई कहते हैं कि भाई हमें व्हाट्सएप का अकाउंट चाहिए डिफरेंट कंट्री के ऊपर, तो आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ बिल्कुल फ्रेश न्यू वेबसाइट, जिसको मैंने आपको पहले भी रिव्यू किया था और बहुत से भाई ने बोला कि उसके ऊपर OTP रिसीव नहीं होते। मैंने पहले बोला था कि आप वेबसाइट को फ्री में ईमेल सब्सक्राइब उनका कर लो और आपको नोटिफिकेशन सेंड करते रहेंगे। आपको मेल चेकआउट करवाता हूँ यहाँ से, मैं तो जीमेल में जाऊँगा। मुझे इनकी तरफ से एक मेल रिसीव हुई है अभी कुछ देर पहले, तो कितनी देर पहले 6:57 पे हुई है, 6 मिनट ऊपर हो चुके हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे कंट्रीज़ के मोबाइल नंबर उन्होंने मुझे प्रोवाइड किए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नंबर हैं जो कि उन्होंने मुझे प्रोवाइड किए हैं और जिनके ऊपर हम बिल्कुल फ्री व्हाट्सअप का अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं, उनके ऊपर और कोई भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन का भी रिव्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक मैं चेकआउट करवाता हूँ, ये वाला मोबाइल नंबर लास्ट पे 38186 चाइना का मोबाइल नंबर है। इसका आपको मैं प्रूफ दिखाता हूँ। यहाँ से आप जाएँ पैरल स्पेस के अंदर, क्योंकि मैंने अभी 1 मिनट पहले ही व्हाट्सअप का अकाउंट क्रिएट किया है। आपको लाइव चेकआउट मैं करवा देता हूँ अपने व्हाट्सअप को। यहाँ से मैं करूँगा ऑन। ऑन करने के बाद 3 लाइन पे जाऊँगा, उस्मान पे जाऊँगा और देखें 3381। यहाँ से जाऊँगा 3381 स्टार्ट पे 17 17 17 17, यही व्हाट्सअप का अकाउंट तो अभी क्रिएट किया है। अब हम चलते हैं कोई और व्हाट्सअप के ऊपर और देखते हैं हमारा इनमें से कोई एक मोबाइल नंबर देखते हैं कि जिनके ऊपर हमारा व्हाट्सअप का अकाउंट क्रिएट हो पाता है कि नहीं। उनके लिए 86 है। अब चेकआउट करेंगे 853, तो 853 देखते हैं कौन से कंट्री का कोड है। तो हम उस कंट्री कोड के ऊपर जाएंगे और अपना अकाउंट क्रिएट हम करेंगे। तो वेबसाइट का ओपन करूंगा क्रोम। क्रोम ओपन करने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। आपने सिंपल उस वेबसाइट को यहां पे सिंपल आप वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप सीधा वेबसाइट के ऊपर पहुँच जाएँगे। तो ये रही वेबसाइट्स को लिख के सर्च आउट करूँगा। इसको लिख के चाइनीज़ एक वेबसाइट है, तो सिंपल ऑन कर दिया। इसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लूँगा। तो इसको मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया। करने के बाद यहाँ पे अब आना है आपने थोड़ा सा आगे करना है। तो इंग्लिश है 86853, तो यहाँ से मोबाइल नंबर देखते हैं 853 लास्ट पे 010 है, तो ये रहा 010। इसको मैं यहाँ से ऑन करूँगा, ऐड है, ऐड को क्लोज़ करूँगा। क्लोज़ करने के बाद तो मोबाइल नंबर हमारा कहाँ पे गया, ये रहा। इसके ऊपर मैं करूँगा क्लिक। क्लिक कर दिया, इसको यहाँ से इंग्लिश किया मैंने। इंग्लिश करने के बाद ये रहा हमारा मोबाइल नंबर और उसके ऊपर गूगल की। आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर हमारे पास गूगल की वेरिफिकेशन भी हो चुकी है। बहुत से सोशल मीडिया के अकाउंट इस मोबाइल नंबर के ऊपर वेरीफाई हो रहे हैं, तो आपने बिल्कुल भी देर नहीं करनी। जैसे ही कोई नया मोबाइल नंबर अपलोड हो आपने इसको सब्सक्राइब कर लेना है और आपको 100% OTP रिसीव हो जाएगा। तो इस मोबाइल नंबर को हम करेंगे कॉपी। अभी भी रिसेंटली मैंने जैसा आपको बताया कि रिसेंटली ये ऑन हुआ है, तो मैं जाऊंगा अपनी पैरेलल स्पेस में और जाके उसको चेकआउट करूंगा व्हाट्सएप के अकाउंट के ऊपर कि इसके ऊपर हमारा व्हाट्सएप का अकाउंट क्रिएट हो सकता है कि नहीं। एक्सेप्ट करूँगा और यहाँ से जो वन पहले उसको रिमूव करूँगा और लिखने के बाद यहाँ नया एरिया कोड लगाऊँगा 852। तो चाइना का एरिया कोड लगाने के बाद नेक्स्ट करूँगा, तो ये वाला मोबाइल हमारे पास वैलिड है। ओके के ऊपर क्लिक करूँगा और आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर हमारे पास 100% OTP आ जाएगा। तो हम यहाँ थोड़ा सा वेट करेंगे OTP रिसीव होने का। तो जैसे हमारे पास कोई OTP आएगा, OTP आने के बाद यहाँ पे लगाएंगे तो हमारे पास उस टाइम वेरिफिकेशन हो जाएगी और हमारा व्हाट्सएप का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। आप बात याद रखूँ, जब भी इनके ऊपर आपने मोबाइल नंबर के व्हाट्सएप का अकाउंट क्रिएट करना है, आपने उसी टाइम 2-स्टेप वेरिफिकेशन भी लगा लेनी है ताकि आपका मोबाइल नंबर कोई और यूज़ ना कर सके। जैसे मैंने आपको प्रूफ दिखाया, एक मोबाइल नंबर ने लेके दिखाया आपको दोनों चीज़ें, तो अभी तक हमें OTP रिसीव नहीं हुआ। इसकी वजह यह है क्योंकि 10-15 मिनट हो चुके हैं मोबाइल नंबर अपडेट हुए वेबसाइट के ऊपर, तो बहुत से लोग इसके ऊपर ट्रैफिक आ जाती है इसके ऊपर उसी टाइम, और लोग इसके ऊपर अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं और जिसकी वजह से इसके जो मैसेज आना स्लो हो जाते हैं। तो हम कोई बात नहीं, मैसेज ना स्लो हो गए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हम इसका OTP लेके ही रहेंगे। तो हमारा थोड़ा सा टाइम है, टाइम ख़त्म होने तक वेट करेंगे। दोबारा करेंगे रीसेंड SMS के ऊपर क्लिक, तो हमने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। तो अब वहाँ पे SMS जाएगा, तो
तो टाइम लग चुका है। अब लास्ट ऑप्शन हमारे पास, देखते हैं कि हमारे पास की तरफ से कोई SMS रिसीव होता है कि नहीं। तो वापस जाएंगे हम उस वेबसाइट के ऊपर और इसको रिफ्रेश करेंगे। अगर OTP रिसीव ना भी हुआ तो सिंपल आपको बताने का, आपके सामने WhatsApp का OTP हमारे सामने रिसीव हो चुका है। तो आपके सामने OTP लगाया 7706607 लगाने के बाद, तो वो कह रहे हैं कि दोबारा सेंड करें। इसकी वजह ये हो चुकी है कि किसी और ने भी इसके ऊपर WhatsApp का अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से वो अकाउंट बैन हो रहे हैं। अब ये हम दोबारा चेकआउट करेंगे तो ये वाला मालूम हमारे पास बैन हुआ मिलेगा। तो आप इसको दोबारा दफ़ा चेकआउट लाजमी करना है। यहाँ से कोई और मोबाइल नंबर भी लेके देख लेते हैं कि वो काम कर रहा है कि नहीं। तो हमारे पास चाइना का मोबाइल नंबर तो काम नहीं किया, तो कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास USA का मोबाइल नंबर है, हम उसको चेकआउट कर लेंगे एक दफ़ा कि वो काम करेगा कि नहीं। फिर बता रहा हूँ, जैसे ही आपको मैसेज आए, नोट मेल आए, उसी टाइम आपने WhatsApp का अकाउंट क्रिएट कर लेना है। करने के बाद उसी टाइम आपने 2-स्टेप वेरिफिकेशन कोड भी लगा देना है, ताकि आपको उसी टाइम OTP रिसीव हो जाए। मोबाइल नंबर नहीं, यहाँ से नोट ऑन कर लिया है, तो +1 इसका एरिया कोड लगाया 5416352837 लगाने के बाद ओके करूँगा। मोबाइल नंबर हमारा बिल्कुल ठीक है। हमारे पास कुछ इस तरह की ऑप्शन आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर पहले किसी ने OTP रिसीव करवाने की कोशिश की है, OTP रिसीव करवाने की कोशिश की है, इसी वजह से इसके ऊपर हमारे पास OTP रिसीव नहीं होगा। हमारे पास अब क्या करेंगे, थोड़ा वेट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हमारे पास इसका OTP आता है कि नहीं। तो फिर भी हम इसका थोड़ा वेट करके देख लेंगे। तो ऊपर से जो WhatsApp हमारा लॉग आउट हो चुका है, एक जो पहले हमने क्रिएट किया था मेरे ख्याल चाइना के मोबाइल नंबर के ऊपर, तो यहाँ ये रहा मोबाइल नंबर 82837 वाला। इसको मैंने ओपन किया, ओपन करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास टेलीग्राम का भी अकाउंट इसके ऊपर क्रिएट हो चुका है। तो आस्ता आस्ता इसके ऊपर सारे के सारे अकाउंट एक्टिवेट होंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, OTP का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही हमारे पास OTP इसका आएगा, हम उसी टाइम OTP लगाएंगे और हमारा WhatsApp का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। आपको लाइव करके दिखाऊंगा, वीडियो को स्किप भी नहीं करना। आप लोगों ने वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी और ना ही आपसे इसका अकाउंट क्रिएट हो पाएगा। तो टाइम लगा हुआ है, टाइम ख़त्म होने तक हम वेट करेंगे, तब तक हम बातें कर लेते हैं। तो रिक्वेस्ट है कॉल करेंगे, 51 सेकेंड है। फिर बता रहा हूँ आपको, जैसे ही आप लोगों को मेल आए, मेल आने के फ़ौरन बाद आप लोगों ने WhatsApp का अकाउंट क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद आपने उसी टाइम इसको कर लेना है सेव, 2-स्टेप भी लगा लेना आप लोगों ने। इस वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगा। तो रीसेंड के ऊपर क्लिक किया, थोड़ा वेट करेंगे, रिफ्रेश कर रहा हूँ उसको, हो सकता है कि OTP आ जाए। फिर बता रहा हूँ, ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से इसके ऊपर अभी तक OTP रिसीव नहीं हो रहा। तो जैसे OTP आएगा आपको, OTP तो इसके ऊपर लाजमी आएगा, क्योंकि वेबसाइट एक भी OTP मिस नहीं करती। हो सकता थोड़ा देर हो जाए, वेबसाइट भी अपडेट होने में लेट हो जाए, लेकिन इसका OTP 100% आपको यकीनी बनाएगा आएगा। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो टाइम आया चल रहा है, टाइम ख़त्म होगा, टाइम ख़त्म होने तक हम इसको दोबारा करेंगे लोग रीसेंड SMS के ऊपर क्लिक। तो फिर टाइम हमारे पास लग चुका है, तो कोई बात नहीं, हम दोबारा कर लेते हैं इसका वेट। तो 1 मिनट रह गया हमारे पास, 1 मिनट 28 सेकेंड। तो OTP आपको फिर बता रहा हूँ, हमारे पास लाजमी आएगा, आपको लाइव करके दिखाऊंगा OTP इसका। तो अभी तक हमारे पास कोई भी OTP रिसीव नहीं हुआ, टेलीग्राम का ही है सबसे ऊपर। वेबसाइट के ऊपर हैवी ट्रैफिक होने की वजह से इसका OTP जो अभी तक रिसीव नहीं हुआ, तो रिसीव तो हमें इसके ऊपर OTP लाजमी होगा। तो टाइम रह गया थोड़ा सा, OTP आ चुका 587, तो ये कोड इनकरेक्ट है। तो आपको दोबारा चेकआउट करवाता हूँ, ये कोड किसी ने और ने भी सेंड किया हुआ था, किसी और ने भी रीसेंड SMS के ऊपर क्लिक किया, उसका OTP मंगवाने की कोशिश की है। तो हमारे पास 1-2 सेकंड और, हम उसका वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद देखते हैं कि हमारे पास OTP थे हमारे पास। आपको दोनों के दोनों OTP मैं चेकआउट करवा लेता हूँ, फिर आपको आगे चेकआउट करवाऊँगा। रीसेंड ऊपर क्लिक करूँगा, तो अब मैं रीसेंड SMS के ऊपर क्लिक तब करूँगा जब तक हमारे पास टाइम ख़त्म ना हो जाए। तो टाइम ख़त्म हुआ, रीसेंड के ऊपर क्लिक कर दी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास OTP रिसीव इसका होता है कि नहीं। तो थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक कि हमारा टाइम ख़त्म नहीं होगा। टाइम ख़त्म होगा तो उसी टाइम हमारे पास OTP आ जाएगा। ऊपर वाला जो टाइम चल रहा है, OTP मिलाने वाला, वो भी ख़त्म होगा, तो हमारा जो OTP है वो उधर आ जाएगा।
तो 1 सेकेंड रह चुका, ख़त्म हो चुका। अब हम करेंगे रीसेंड SMS के ऊपर क्लिक, ओके किया। अब हम जाएंगे वेबसाइट के ऊपर, देखते हैं हमारा OTP वहाँ पे रिसीव हुआ है कि नहीं। तो नीचे आएंगे, आपके सामने देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास OTP रिसीव हो चुका था, जो कि मैंने आपको दिखाया, लेकिन ये नहीं लगेगा। आई होप आपको वीडियो की समझ आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें।